धार जिले के राजगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ जमीनी विवाद को लेकर 12 बोर की बंदूक से फायरिंग की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि फरियादी को जान से मारने की धमकी देते हुए हवाई फायर किए गए। शस्त्र का लाइसेंस शासन स्वयं की रक्षा के लिए देता है, वही कुछ लोग उसका उपयोग दूसरों को डराने व धमकाने में कर रहे हैं। कृषि उपज मंडी गेट राजगढ़ के समीप ज्ञानेंद्र भंडारी के घर पर आशीष चतर द्वारा ज्ञानेंद्र भंडारी को गाली गलौज करते हुए पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए 12 बोर की बंदूक से हवाई फायर करने की घटना सामने आई है। ज्ञानेंद्र भंडारी द्वारा पुलिस थाना राजगढ़ पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस ने घटना को तुरंत विवेचना में लेते हुए घर का मौका मुआयना करवाया गया व आगे पुलिस जांच में जुटी है। फरियादी पक्ष का आरोप है कि 12 बोर बंदूक का लाइसेंस उसके पापा का होने पर भी आशीष चतर उसका उपयोग कर रहा है और जो गैर कानूनी है। सरदारपुर से दीपक प्रजापत की रिपोर्ट। बाहर गाली गूंज की आवाज आई तो मैंने कहा किसी का झगड़ा हुआ और देखा खिड़की में कोई बंदूक लेके दरवाजे के सामने खड़ा। मैंने कहा आप बाहर मत जाओ, किसी के पास बंदूक है। इनको रोका और मैंने कहा मैं जाती हूँ। इतने में तो फायर हुआ तो आशीष चतर था, गाली गलौज कर रहा था। बोले आज तो भंडारी के पजूसन मनवा देंगे, यहाँ से आतम मने का इनका लाशें निकलेगी भंडारी परिवार से। घबरा गए तो उन्होंने एकदम अंदर पापा को भी ले लिया और पूरा माहौल एकदम डरावना वाला बन गया। पहली बार ऐसा किसी ने देखा लाइफ में, तो उस तरह से सब डर चुके थे। पर तुरंत मुझे जैसे ही बताया वैसे मैं फिर तुरंत सीधे मेरे ऑफिस से निकल के थाने पे आ गया और थाने पे आने के बाद फिर अभी हमने रिपोर्ट दर्ज कर लिया। आपके घर से फोन किसने करा था? मेरे को मेरी वाइफ नरेंद्र भंडारी निवासी राजगढ़ है, इनके द्वारा थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उनकी जमीन जो अस्पताल के पीछे है वहाँ से रास्ते को लेकर विवाद चल रहा है। इसमें आरोपी आशीष चक्कर हैं, इनके द्वारा रास्ते की मांग की जा रही थी, उसको लेकर के विवाद हुआ था, जिस पर उसके द्वारा इनके निवास के सामने हवाई फायर किया गया है, जिस पर रिपोर्ट पर से थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है, विवेचना की जा रही है।